कहां से खाओगे, कहां से खाओगे, यही पूछते थे। अब अच्छा तुम ले आए, लाओ जरा मैं छू लूं, मैं भी जरा छू करके देखूं। ये बदलाव आया है साथियों। उस वक्त अगर कोई स्पोर्ट्स में होता था तो उसे सेटल नहीं माना जाता था, उसको पूछा था लेकिन सेटल होने के लिए क्या करोगे, यही पूछा जाता था। लेकिन अब स्पोर्ट्स को भी एक प्रोफेशन के रूप में समाज स्वीकार कर रहा है। साथियों अगर मैं सरकार की बात करूं तो पहले ऐसा कहा जाता था कि खिलाड़ी सरकार के लिए है, लेकिन अब कहा जाता है कि सरकार पूरी की पूरी खिलाड़ियों के लिए है। जब सरकार और नीतियां बनाने वाले जमीन से जुड़े होते हैं, जब सरकार खिलाड़ियों के हित के प्रति संवेदनशील होती है, जब सरकार खिलाड़ियों के संघर्ष उनके सपनों को समझती है, तो इसका सीधा प्रभाव सरकार की नीतियों में भी दिखाई देता है, अप्रोच में भी दिखाता है, सोच में भी दिखता है। देश में बेहतरीन खिलाड़ी पहले भी थे, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने वाली नीतियां नहीं थी, ना अच्छी कोचिंग की व्यवस्था, ना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही जरूरी आर्थिक मदद। तो फिर हमारे खिलाड़ी कैसे अपना परचम लहराते हैं? बीते 9 वर्षों में देश उस पुरानी सोच और पुरानी व्यवस्था से बाहर निकल गया है। आज देश में एक ऐसे खिलाड़ी है, कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन पर 4-4, 5-5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सरकार की अप्रोच अब एथलेट सेंट्रिक हो है। सरकार अब एथलेट्स के सामने से ऑब्स्टेकल्स दूर कर रही है, अपॉर्चुनिटीज बना रही है। कहा जाता है पोटेंशियल प्लस प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू परफॉर्मेंस। जब पोटेंशियल को उचित प्लेटफॉर्म मिल जाए तो परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाती है। खेलो इंडिया जैसी योजनाएं खिलाड़ियों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनी है, जिनसे हमारे एथलेट्स को ग्रास रूट लेवल पर खोजने और सपोर्ट करने का रास्ता खुला है। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि कैसे टॉप्स इनिशिएटिव हमारे एथलेट्स को उनका प्रदर्शन सुधारने में मदद कर रहे हैं। पैरा एथलेट्स को मदद करने के लिए हमने ग्वालियर में डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी की है। और आप में जो लोग गुजरात से परिचित होंगे उनको मालूम होगा कि इस दुनिया में सबसे पहले प्रवेश करने का प्रयास गुजरात से शुरू हुआ था और धीरे 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 करके एक पूरा कल्चर विकसित हो गया। आज भी वो गांधीनगर के इंस्टीट्यूट, आप में से बहुत लोग हैं जो शायद वहां पर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग पर रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सारे इंस्टीट्यूशंस जब आकार लेती है तो तब उसका सामर्थ्य पता नहीं होता है, लेकिन जब निरंतर वहां साधना होती है तो सामर्थ्य की अनुभूति देश करने लग जाता है। मुझे विश्वास है कि ये जो सारी फैसिलिटीज है, आप जैसे कई और विजेता देश को मिलने वाले हैं, मेरा पूरा भरोसा है। साथियों 300 से ज्यादा के आप लोगों के ग्रुप में मैंने पहले ही कहा कोई भी हारा नहीं है, और मेरा जो मंत्र है मैं दोबारा कहता हूं, कुछ जीत करके आए हैं, कुछ सीख करके आए हैं। आप मेडल से ज्यादा खुद और अपनी लीगेसी को देखिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी बात है। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया और जिस तरह उनसे उभरने के लिए अपनी शक्ति को परिचय दिया, वो ही इस देश के लिए आपका सर्वोच्च योगदान है। आप में से कई लोग छोटे शहरों, सामान्य पृष्ठभूमि और मुश्किल परिस्थितियों से निकल करके यहां आए हैं।
कई लोगों ने जन्म से शारीरिक परेशानियों का सामना किया है, कई लोग दूर दराज के गांव में रहे हैं, किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है जिसने उनका पूरा जीवन बदल डाला है, लेकिन आप फिर भी अड़ी गए हैं। आपकी सफलता सोशल मीडिया पर देखिए, शायद किसी खेल को इन दिनों इतनी प्रसिद्धि नहीं मिलती है जितनी आप लोगों को मिलती है। हर कोई खेल में कुछ समझ नहीं है, वो भी देख रहा है ये बच्चा कर रहा है, इसके शरीर में तकलीफ है तो भी इतना बड़ा कर रहा है, देख रहे हैं लोग, उनके घरों में बच्चों को दिखाते हैं, देखो कैसे कर रहे हैं बच्चे। गांव के बेटे बेटियां, छोटे शहरों के लोग आपके जीवन के किस्से आज स्कूल कॉलेज घर में मैदान में हर जगह पे चर्चा हो रही है। आपका संघर्ष और ये सफलता उनके मन में भी एक नया सपना बुन रही है। आज चाहे जो परिस्थितियां हो, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रेरणा पा रहा है, उनमें बड़ा बनने की लालसाएं पनप रही है। हर टूर्नामेंट में आपकी सहभागिता मानवीय सपनों की जीत है और यही आपकी सबसे बड़ी विरासत है, और इसी कारण मुझे यह विश्वास है कि आप ऐसे ही परिश्रम करेंगे और देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे। हमारी सरकार आपके साथ है, देश आपके साथ है, और साथियों संकल्प का सामर्थ्य बहुत होता है। अगर आप मरी पड़ी सोच से चलते हैं ना, न दुनिया को चला सकते हैं, न ही आप कुछ सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपने बहुत लोग देखे होंगे, आप कहोगे भाई जरा यहां से रोहतक जाकर के आओ तो 50 बार सोचेगा बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। और कुछ लोग अच्छा रोहतक जाना है ठीक है मैं शाम को जाकर के आ जाता हूं, सोचता ही नहीं, वो हिम्मत करता है। सोचने का ताकत होती है। और आपने देखा होगा 100 के पार कहना ऐसे नहीं होता है जी, एक लंबी सोच भी होती है, पूरा परिश्रम का रिकॉर्ड भी होता है, और फिर आत्मविश्वास भर करके संकल्प के साथ निकल पड़ते हैं इस बार 100 के पार, और फिर 101 पर नहीं रुकते, 111 करके आ जाते हैं। आज जब मैं कहता हूं साथियों, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, और इसलिए मैं कहता हूं कि हम ही हैं जो 10 नंबर की इकोनॉमी से 5 पर पहुंचे, और डंके की चोट पर कहता हूं इसी दशक में 3 पर पहुंच के रहेंगे। इसी के आधार पर मैं कहता हूं 2047 में ये देश विकसित भारत बन के रहेगा। अगर मेरे दिव्यांग जन सपने पूरे कर सकते हैं तो 140 करोड़ की ताकत एक भी सपने को अधूरा नहीं रहने देगी, ये मेरा विश्वास है। साथियों मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन हमें यहां रुकना नहीं है, और नए संकल्प और नया आत्मविश्वास, हर सुबह नई सुबह, तभी तो जाकर के मंजिल अपने पास आती है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।